हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम आपको अपने इस लेक्चर में कराएंगे क्लास टेंथ के अध्याय टेंथ विज्ञान के। इसमें हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपको अगली जो आगामी परीक्षा है आपकी अगले महीने होने वाली है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपकी बहुत ही मदद करने वाला है। तो आइए देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? आँखों की। आँखों से देखते हैं, लेकिन आँखों से भी हम नहीं देख सकते यदि हमारे पास प्रकाश ना हो। जैसे हम देखते हैं रात्रि के अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हम किसी कमरे में होते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही उसमें लाइट जलती है तो हमें दिखाई देने लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जो इस सुंदर संसार को दर्शनीय बनाता है। यानी हम अपनी आँखों से जो कुछ देख रहे हैं वह है प्रकाश की मदद से ही देख रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जो इस संसार में सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। और प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आज हम अपने इस अध्याय में आपको कराने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट रिफ्रैक्शन। अब आपने देखा होगा प्रकाश जब सीधी रेखा में चल रहा है तो उसके सामने यदि कोई बहुत छोटा कण आ जाए, बहुत छोटी चीज़ आ जाए और उसकी एक तीक्ष्ण इमेज जो है किसी पर्दे पर बना देता है, और यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चल रही है और एक छोटा सा पॉइंट उसके सामने आए तो वह परावर्तित होने की वजह उसके किनारों से मुड़ भी जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के हमारा जो अध्याय है, इस अध्याय में हम देखते हैं लाइट रिफ्रैक्शन एंड लाइट रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट कर लेते हैं। ये हमारा प्रकाश, और यहाँ पर हमने ले लिया प्रकाश का परावर्तन, और यहां ले लिया हमने प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो देखो, जहां पर प्रकाश के परावर्तन की बात होती है तो वहाँ पर हमें किसका प्रकाशिक चीज़ है या जो ऑप्टिक्स आर्टिकल हैं, ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं, उसमें हमें क्या प्रयोग करना है? दर्पण। यानी हम यहाँ पर दर्पणों का प्रयोग करेंगे, दर्पणों का अध्ययन करेंगे। और प्रकाश का अपवर्तन है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसका करेंगे? लेंस का। दर्पण क्या होते हैं आप जानते हो? दर्पण आईना, जो हमारे घरों में सुबह सुबह हम आईने के सामने जाते हैं, अपने को देखते हैं, वही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। और दर्पण में इस तरीके से दर्पण है तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये वाला हिस्सा होता है, इस पर पॉलिश होती है और ये हिस्सा चमकीला होता है। ये क्या होता है? चमकीला। इधर पॉलिशदार है और इधर चमकीला है। अब ये हमने क्या देखा है? समतल दर्पण है। लेंस इस तरीके से लेंस होता है, अर्थात इसमें आर पार दिखा जा सकता है। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में, जो लेंस है उसका और दर्पण है उनका। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या है। जब कोई किरण किसी दर्पण पर टकराती है तो टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस आ जाती है, और जितने डिग्री के कोण पर टकराएगी, मान लीजिएगा ये किरण यदि 90 डिग्री के कोण पर इस दर्पण पर टकरा रही है तो 90 डिग्री के कोण पर ही यह वापस जाएगी। और यदि यही किरण हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, मान लीजिएगा ये दर्पण है और इस पर ये एक होता है अविलंब। इसको हम क्या कहते हैं? अविलंब। एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब
तो प्रकाश की कोई किरण इस तरीके से इस पर आपतित होती है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तो वह उसी एंगल पर परावर्तित होगी, परावर्तित किरण। तो क्या हुआ, परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन होने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। परावर्तित किरण और अविलंब के साथ बनने वाला कोण यानी आपतित कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के साथ बनने वाला कोण यानी परावर्तित कोण, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा या साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होगा। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जैसे ये कोई माध्यम है, मान लीजिएगा ये कोई माध्यम है, प्रकाश की किरण इस पर टकराती है तो यह है इसमें सीधी चली जाती है, तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन माध्यम बदलने पर यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरण जब किसी पारदर्शी वस्तु से टकराती है, उसी को हम लेंस कहते हैं, तो वह अपने मार्ग में वापस ना आकर उसमें अंदर चली जाती है, उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या ट्रांसमिटेड हो जाती है, यानी उसमें अंदर होकर चली जाती है। और इसकी विशेषता है प्रकाश के अपवर्तन की, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी उसे एक सीधे रास्ते में चलना चाहिए था, जो कि प्रकाश की टेंडेंसी है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। यह क्या करती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है, और यहाँ पर क्या है, सघन है, यानी डेंसर मीडियम है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो वह अविलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये अविलंब है तो यहाँ पर देखो झुकी हुई दिखाई है, और जैसे ही वह यहाँ पर आकर अपने फिर विरल माध्यम में गई तो फिर यह क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अब इसका हम एक उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, अपने दैनिक जीवन से जोड़कर देख सकते हैं, कि जैसे मान लीजिएगा आप किसी सड़क पर चल रहे हो, तो सड़क पर जब चलोगे तो जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो प्रकाश की स्पीड भी जहाँ पर रेयर मीडियम होता है स्पीड ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पर विरल माध्यम होता है स्पीड ज़्यादा होती है, और जैसे ही सघन माध्यम आता है तो स्पीड भी कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से ही वह अविलंब की ओर झुक जाता है। अर्थात मान लीजिएगा आपको भीड़ भाड़ वाला स्थान हो, चल रहे हो रोड पर, और यदि कहीं मोड़ आ गया यहाँ पर तो आपको झुकना पड़ेगा, यानी स्पीड कम करनी पड़ेगी, और झुक के निकलोगे। तो यही का इसको हम इससे जोड़ सकते हैं, जब भीड़ वाले स्थान में हम पहुँचते हैं तो अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, यानी हम झुक जाते हैं, तो किरण क्या करती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और जैसे ही हमने मान लीजिए कोई शहर आया, उस शहर को क्रॉस किया और आगे जाके फिर हमारे लिए खाली सड़क मिल गई, फिर हम क्या करते हैं, तेज़ी से चलने लगते हैं, यानी हम झुकते नहीं हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं। तो इसको हम इससे जोड़कर देख सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को आज हमने देखा, कल अगले वीडियो में हम इसका विस्तार से अलग अलग, यानी इसमें जो दर्पण हैं, दर्पणों में हम गोलीय दर्पणों का अध्ययन करेंगे, और लेंस हैं उनमें भी हम गोलीय लेंसों का भी अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी एक प्रारंभ की क्लास थी, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से हमारी जो 10वीं कक्षा की 10th क्लास की आपकी जो साइंस है उसको हम कराएंगे और आपको 90+ मार्क्स दिलवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।